नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द सांची। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक यात्री ट्रेन के 4 डिब्बों में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया है। घटना रात के करीब 9 बजे हुई है। ट्रेन का नाम बेनापोल एक्सप्रेस है, जो देश के पश्चिमी शहर जेसोर से राजधानी ढाका की ओर आ रही थी। आगजनी में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। घायलों को फिलहाल ढाका नेशनल हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ट्रेन में जब आग लगी, तब ये गोपीबाग इलाके में थी, जो ट्रेन के डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब था। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के प्रवक्ता शाहजहां शिकदार ने घटनास्थल पर पत्रकारों को बताया कि अब तक हमें 4 शव मिले हैं और तलाशी अभी जारी है। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन के लगभग 292 यात्रियों में से अधिकांश भारत से घर लौट रहे थे। रात 9 बजे स्टेशन के पास गोपीबाग इलाके में पहुंचते ही ट्रेन में आग लगा दी गई। इस घटना को बांग्लादेश में होने वाले आम चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। 7 जनवरी को चुनाव होने हैं। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और सहयोगी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। अक्टूबर के महीने में पार्टी ने रैली निकालकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की थी। विपक्ष का लगातार आरोप रहा है कि सत्ताधारी पार्टी का रवैया काफी तानाशाह रहा है, वो लोकतंत्र पर इसे हमला बोलती रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी आलोचना करने वालों का मुंह बंद करवा देती है। विपक्ष ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार का आरोप भी सत्ताधारी पार्टी पर लगाया है। विपक्ष के चुनावी बहिष्कार के बाद होने वाले चुनावों में सिर्फ शेख हसीना को वोट दिया जा सकता है या फिर जो अन्य स्वतंत्र कैंडिडेट्स चुनाव में खड़े हुए हैं। रविवार को होने वाले आम चुनाव की निगरानी के लिए 3 भारतीय सदस्यों सहित 100 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षक शुक्रवार को ढाका पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि भारत के चुनाव आयोग का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को ढाका पहुंचा, जबकि अन्य देशों के 122 अन्य लोगों का आना अभी बचा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी बांग्लादेश के चुनावों पर बारीकी से नजर रखने की बात कही है। सत्ताधारी पार्टी आवामी लीग के ट्विटर अकाउंट में इस घटना का इल्ज़ाम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP पर लगाया गया है। ट्वीट में इसे एक टेरर एक्ट बताया गया है। ट्वीट में कहा गया है कि ये विपक्षी पार्टी द्वारा आने वाले चुनावों में लोगों को डराने के लिए किया गया है। इस एक्ट की ट्वीट कर आलोचना की गई है। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।